हाय गाइस, कभी आपने इस सिचुएशन में अपने आप को इमेजिन किया कि आप अकेले इंसान इस दुनिया में ज़िंदा है और बाकी सब लोग गायब? इस सिचुएशन को इमेजिन करने में बहुत मज़ा आता है। दुनिया की सारे स्ट्रीट्स में खाली पड़ेंगे, नो ट्रैफिक रूल्स, नो रेस्ट्रिक्शंस। आप इस दुनिया में जेट प्लेन से लेकर साइकिल तक सब फ्री में चला सकते हो। जो घर पसंद आया उस घर में आप घुस सकते हो और आप सो सकते हो, और सुपरमार्केट्स और मॉल्स से अपने पसंद की चीज़ें खरीद कर अपने पसंद की चीज़ें मुफ्त में उठाकर खा सकते हो। जो शहर आप घूमना चाहते हो वो आप घूम सकते हो, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए आपको ड्राइविंग आना चाहिए। पूरी दुनिया घूम सकते हो बिना पासपोर्ट और वीसा के। धरती के 7 वंडर्स बिना टूरिस्ट्स के देखने का 8th वंडर आप बनोगे। ऐसे बातें सोचकर मन में लड्डू फूट रहे होगे, लेकिन असली पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। अब पॉइंट पे आते हैं। कुछ दिन में ही सारे मॉल्स में का फूड ख़राब होने लगता है, वाटर बॉटल्स में पानी ख़त्म हो जाती है। उस समय में आप अपने फ्यूचर का फूड प्रोडक्शन करने के लिए आपको फार्मिंग आनी चाहिए, जिसे सीखने में आजकल कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। रिवर्स लेक्स का पानी डायरेक्टली आप पी नहीं सकते, इसलिए आपको वाटर प्योरिफिकेशन भी आना चाहिए। कुछ दिन में इलेक्ट्रिसिटी अपने आप बंद हो जाएगी, क्योंकि उसे प्रोडक्शन करने के लिए और सप्लाई करने के लिए कोई नहीं होगा। इस काम को भी अपने आप खुद करना पड़ता है। कुछ ही दिनों में गाड़ियों में का फ्यूल फिनिश हो जाएगा, तब आप उसे यूज़ नहीं कर पाओगे। और एक पॉइंट है, उस सिचुएशन में इंसान आप अकेले ही हो, लेकिन जानवर वैसे ही रहेंगे। अगर आपको उनसे डर लगता है तो आपका सर्वाइवल नहीं, उनके लिए आप सर्वाइवल बन जाओगे। कुछ सालों में वहाँ के सारे हाउसेस पुराने पड़ जाएंगे। एक दिन तूफान या अर्थक्वेक से कुछ भी हो सकता है। इन सारे खतरों को संभालने और झेलने का स्ट्रेंथ आपके पास हो, लेकिन अकेलेपन को आप कभी नहीं झेल पाओगे। जब मैं सारी बातें अपने दोस्त को बताया तो उसने कहा कि ऐसे ज़िंदगी जीना भी एक ज़िंदगी है क्या, इससे बेहतर आप खुद मर जाए। मुझे भी वो बात सही लगा, क्योंकि जब ज़िंदगी में दुख और सुख को बांटने के लिए 4 लोग नहीं होते तो ज़िंदगी जितनी भी लंबी हो वो सब बेकार है। इसलिए जब तक आप हो तब तक दूसरों से अच्छे तरह से रहिए, उनको खुश रखिए, आप भी खुश से ज़िंदगी गुजारें। आज के लिए यही काफ़ी है। सब्सक्राइब और लाइक करके मुझे खुशी करिए, और ऐसे वीडियोस देखते आप खुश रहे। थैंक यू।